सर कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ रहे थे? आपके पास दो ही लोग आए हो, यस सुबह कितने लोग आते हो? और लोग नहीं पढ़ने लग रहे सबको? अब देर हो गई ना, सबका मन नहीं कर रहा होगा, ऐसा कुछ होता है क्या? यस ऐसा सर। नो सर। भी होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना? नो सर। और अच्छा हो गया, सुबह 8 बजे जल्दी नहीं उठना पड़ा, आज तो देर में क्लास चली तो ठीक है। यस ठीक है, सर। हम यस लोग पेंट पढ़ रहे थे, चलते हैं फटाफट से पेंट पे। यस कंप्यूटर क्या लिखा है देखो, दिख रहा है सबको? जी यस सर। चलो देखते हैं, हम लोगों ने कोई पेंटिंग भी बनाई थी क्या? कोई पेंटिंग बनाई थी हमने? ये वाली पेंटिंग यस बनाई थी क्या ना? यस सर। यही वाले पेंटिंग बनाए थे। अब चलो देखते हैं, हम लोगों ने इसमें कलर फिल करना, कलर पिक करना, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने सीख ली थी है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या सीखना था इसमें से? कलर पिकर टूल हम लोगों ने देख लिया था कि कलर पिकर टूल बचा हुआ है क्या? ये वाला कलर हम लोग देखे थे, ये वाला टूल क्या करता है ये याद है आपको? ये क्या है? ये कलर पिकर, उसका क्या काम होता है? उसका क्या काम होता है? कलर को पिक करते नहीं, ठीक है। तो देखो अब जैसे ये कलर पिकर टूल, अब पिक मीन्स क्या होता है? कलेक्ट कर लेना, उठा लेना, ठीक है। तो ये वाला कलर क्या करता है? अब जैसे हमने क्या किया था लास्ट टाइम पे, शायद हम लोगों ने किया भी था क्या, कि अगर जैसे ये जो सांभवी वाला था येलो कलर, अगर हम चाहते हैं वो अदिति वाले में फेल हो जाए, तो हम क्या करते थे, यहाँ से इस पर क्लिक कर देते थे। और देखिए जैसे हमने क्लिक किया ना, यहाँ जो ब्लैक कलर था वो कौन सा कलर हो गया? वो अपने आप येलो हो गया। जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से फिल विद कलर टूल ले लिया, और यहाँ देखो इसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, सेम कलर फिल कर दिया, जो यहाँ कलर था वही वाला यहाँ पे फिल कर दिया। अब देखिए, अब क्या, ये अदिति का डी है और ए का ये वाला जो ट्रायंगुलर बॉक्स होता है उसमें आप देखेंगे तो ये कलर नहीं फेल हुआ। क्यों नहीं फेल हुआ? कि हमने क्या देखा था कि हम जो भी शेप बनाते हैं, अगर कोई क्लोज्ड शेप होता है तो उसके अंदर से आपका फिल विद कलर टूल से कलर बाहर नहीं जाता, और अगर आप बाहर कुछ फिल करेंगे तो वो कलर अंदर नहीं जाएगा, है ना? अंदर नहीं जाएगा। यस सर। डी जो है वो पूरी तरह से पैक है, इसीलिए इसके अंदर कलर नहीं गया। अगर डी के अंदर कलर फिल करना हुआ तो हमको ऐसे यहाँ पे जाकर के क्लिक करना पड़ेगा। देखो अब हो गया ना? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कौन सा कलर है भाई? नेक्स्ट तो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल भी तो हम लोग कर लिए थे। यस सर। टूल भी हम लोग कर लिए थे। टेक्स्ट टूल का क्या काम होता है, कौन बताएगा? टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल, और कहाँ पे है टेक्स्ट टूल आपका? टेक्स्ट टूल तो ये रहा, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। टेक्स्ट टूल का क्या काम होता है? टेक्स्ट टूल का काम होता है अपनी जो हम ड्राइंग बना रहे हैं उसमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए। और टेक्स्ट क्या होता है? जो हम लोग स्पेलिंग्स, वर्ड, कैरेक्टर अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट कहलाता है। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, देखो कैसे इसको यूज करते हैं बेटा, देखो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, अब ये वाला टूल हम लोग यूज करेंगे ना, इसको पढ़ पढ़ के यूज करेंगे हम तो आते हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हो बेटा, द टेक्स्ट टूल इज यूज टू एंटर टेक्स्ट इन अ ड्रॉइंग। आपकी ड्रॉइंग में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम लोग टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। और इसको कैसे यूज करेंगे, देखो अब यहाँ बता रहे हैं, स्टेप वन में हमको क्या करना है, सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल इन द टूल्स ग्रुप। ये आपका टूल्स ग्रुप है ना, टूल्स ग्रुप में देखो आपको पेंसिल, इरेजर, फिल विद कलर, पिकर और ये मैग्नीफायर, इतने टूल्स मिलते हैं। यहाँ से हमको क्या करना है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है। ये जब क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, जो ए था उसके किनारे किनारे लगभग लाइट कलर की येलो येलो अरे सॉरी ब्लू कलर की एक कलर दिखने लगी, नहीं वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है, लाइट ब्लू कलर का उसके किनारे सिलेक्शन दिखाने लगा कि हाँ आप कौन सा टूल सिलेक्टेड है, आप तो टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड है। चलो तो दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, सिलेक्ट एनी कलर इन द कलर पैलेट, कह रहा है कोई भी कलर ले लीजिए जिस कलर से आपको लिखना है। मान लीजिए हमको लिखना है, चलो कौन सा कलर ले लें, कौन सा कलर ले लें भाई, ब्राउन ले लेते हैं। चलो ठीक,
तो हमने भी कलर चूज कर लिया. मेक श्योर दैट द कलर वन बटन इज सिलेक्टेड इन द कलर ग्रुप. हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हम लोग का कलर वन होता है, हम जो भी कलर फिल करते हैं या टाइप करते हैं या अपनी पेंसिल चलाते हैं, वो सब कलर वन वाला कलर होता है. और कलर टू क्या होता है? जो हमारे पेज का कलर होता है. ठीक है ना? यस सर. अच्छा देखो, अगर भूल गए तो हम तुमको बताते हैं. देखो अभी हमने कलर वन क्या चूज किया है, हमने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया हुआ है. अगर हम यहाँ पे कोई चीज लिखेंगे, चलो अब यहाँ पे लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले जितनी दूर लिखना होता है ना उसको ड्रैग कर लेते हैं, उतना पोर्शन जो हमने सेलेक्ट कर लिया. देखो डॉट 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 आ गया ना एक रेक्टेंगल बन के. अब हम जो भी चीज लिखेंगे वो सब क्या हो जाएगा, वो सब इसी बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा. जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अदिति सांभवी. एस एच होता है क्या? यस सर. और कौन है क्लास में? अंशिका. अनिष्का. अनिष्का, अच्छा. ANISHKA ना? ठीक है. तो देखो हमने कौन सा कलर बेटा चूज किया था, हमने ब्राउन कलर चूज किया था और वही ब्राउन कलर यहाँ पे आ रहा है. और देखो ये जो किनारे किनारे ये जो खाली जगह बची हुई ना, अभी अगर हम इसके बाहर जाके क्लिक कर दें तो क्या होगा, अब वो सब स्पेस हट गया और जितनी दूर हमने सेलेक्ट करा था सिर्फ उतनी दूर देखो हमने जो टेक्स्ट लिखा था सिर्फ वही आ रहा है. ठीक है. और अच्छा देखो अब क्या हो रहा है, एक चीज और देखते, इसको हम हटा दे रहे हैं अभी थोड़ा सा, इसको हम हटा दे रहे हैं. जो भी हमने आदित्य अनिष्का और सांभवी लिखा उसको हमने हटा दिया. जब आप टेक्स्ट टूल लोगे बेटा, देखो टेक्स्ट टूल लिया, अब यहाँ पे हम जो भी चीज लिख रहे हैं ना, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है. एक आपका देखो ट्रांसपेरेंट तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, ट्रांसपेरेंट यानी जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं. जैसे कोई दीवार है, अगर वो ट्रांसपेरेंट दीवार होगी, मान लीजिए कोई शीशे की दीवार रहती है तो उसके बाहर क्या है दिखता रहता है आपको, शोरूम में देखते हैं ना, शोरूम के अंदर जो जो चीजें लगी रहती है सब आपको बाहर से ही दिख जाता है, अंदर नहीं जाना पड़ता. देखे ना? यस सर. वो क्या होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक, उसके आर पार की चीजें हमको दिख जाती हैं. और अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, जैसे हमारे और आपके घर की दीवारें होती हैं, उसमें क्या होता है, अगर कोई बाहर है और अगर वो देखना चाहे कि हमारे घर में क्या हो रहा है तो देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा. ठीक. या जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया है, जैसे मान लीजिए कि हम अभी क्या हो रहा है, अभी तो हम आपको दिख रहे हैं. अगर हम चाहे कि इस बुक के पीछे से हम आपको देखें तो हम आपको दिखेंगे क्या? नो सर. नहीं सर. और अगर मैं देखना चाहूँ आपको तो मैं इसके पीछे से आपको नहीं देख सकता. तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है. ठीक है. तो उसी तरह से आपके पेंट में बेटा क्या होता है, इसमें एक और ऑप्शन देता है, इसको बोलते हैं ओपैक. क्या बोलते हैं इसको? जब ओपैक आप सिलेक्ट कर लेंगे, देखो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी देखो ट्रांसपेरेंट सिलेक्टेड है ना, अभी ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट है. अगर इस टाइम हम कोई चीज इस पे लिखते हैं, यस जो भी चीज हम लिख रहे हैं क्या हो रहा है, जो हमारा बलून वलून है उसके ऊपर आ जा रहा है. देखो उसके ऊपर आ गया ना पूरा. यस सर. अगर अब देखो अब क्या कर रहे हैं, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम इसको ओपैक चूज करेंगे. जब ओपैक चूज करेंगे तो अब हम जो भी चीजें लिखेंगे ना वो सब ऊपर आ जाएगी और बलून हमारा पीछे छुप जाएगा, यानी अब ट्रांसपेरेंट नहीं रह गया ना, अब इसके पीछे का हमको नहीं दिखेगा. जितना एरिया हमने सेलेक्ट करा था उसके पीछे का हमको नहीं दिखेगा. ये लो पूरा बलून ही पीछे छुप गया. चलो अब देखो हम लोगों ने कैसे कैसे यूज किया था, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है. देखो ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग द पॉइंटर टू द ड्रॉइंग एरिया. अपने ड्रॉइंग एरिया पे पॉइंटर ले आइए और फिर क्या लिखा हुआ, क्लिक एट द पॉइंट वेयर यू विश टू एंटर द टेक्स्ट. जहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट ले आना है वहां पे क्लिक करिए. डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स विल अपीयर विद द ब्लिंकिंग कर्सर इनसाइड इट. ठीक है. जब आप यहाँ पे देखो क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और जैसे क्लिक किया देखो ये चीज यहाँ पे ब्लिंक कर रही है ना, आ रही है जा रही है फिर आ रही है फिर जा रही है, ये वाली लाइन जो यहाँ पे दिखा रही है, दिख रही है, इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं. जहाँ पर कर्सर होते हैं, हाँ जहाँ पे कर्सर होता है वहीं पे आपका टेक्स्ट लिखता है. ठीक है. देखो अब कर्सर कहाँ पे आ गया, अब कर्सर यहाँ पे आ गया. जहाँ पे कर्सर रहेगा आप जो भी चीज लिखेंगे वो उसी के आगे आएगा. ठीक है, समझ गए इसको. The text tab appears in the ribbon. अब देखो जो टेक्स्ट से रिलेटेड आपके टूल्स होते हैं वो सब यहाँ पे शो करने लगेंगे. ठीक.
यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग लिख रहे हैं, जैसे मान लो हम एक काम कर रहे हैं, अब एक नई फाइल, पूरी पूरी नई फाइल बना ले रहे हैं, हमने क्या कर दिया, इसको कर देते हैं डोंट से, एक नई फाइल बना रहे हैं, इसमें हम कुछ लिखेंगे, ये रहा, इतना हमने पहले की कर लिया। अब हम पाते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अदिति लिख रहे हैं, ए डी आई टी आई, अदिति हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कलर वन सिलेक्टेड था ब्लैक कलर, हम चाहते हैं ये जो अदिति लिखा है ये थोड़ा सा और मोटा लिख दिया, तो मोटा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपने माउस से लेफ्ट माउस बटन दबा करके इसके ऊपर ऐसे चला देंगे अदिति के ऊपर, तो क्या हो गया, देखो सिलेक्ट हो गया ना। यस सर। और जब सिलेक्ट हो जाएगा उस टाइम अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं, मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि रेड कलर का रहे या येलो रहे या ग्रीन रहे, चलो हम ग्रीन कर देते हैं, अदिति का ग्रीन हो गया, देखो कलर चेंज हो गया ना। Yes, sir. अब अगर इसको मोटा करना है फिर से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट माउस बटन दबा करके अपने टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग कर देंगे, माउस चला देंगे, ठीक है, और यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, देखो मोटा हो गया ना। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, फॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हैं, हमको ये वाली डिजाइन अच्छी नहीं लग रही, हमको और अच्छा लिखना है, जो और अच्छी राइटिंग लगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। अब देखो कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, पहले ठीक है, देखो अलग अलग दिए हुआ ना, यहाँ से आप जो भी फॉन्ट का यूज करोगे वो फॉन्ट यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है, ये उसी तरह का आएगा, देखो समझ गए, ये कर लेंगे। अगर अभी बड़ा हम लोग को करना है तो यहाँ से फॉन्ट साइज देते हैं, देखो अभी 48 है, अगर बड़ा करना है तो और 48 से बड़ा करना पड़ेगा, देखो 72 कर दिया, देखो और बड़ा हो गया, अगर इसको छोटा करना होगा तो क्या करेंगे, 48 से और कम लाना पड़ेगा, आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जितना बड़ा आपको चाहिए, देखो बैकग्राउंड में दिखाता रहता है, देखो इतना छोटा हो गया अब तो। तो हमने क्या कर लिया, हमने टेक्स्ट का साइज चेंज कर लिया, हमने टेक्स्ट को कलर भी लगा लिया और उसकी स्टाइल भी चेंज कर ली, ये जो यहाँ से हम लोग स्टाइल इसकी चेंज कर रहे हैं ना, ये सब इसकी स्टाइल है, बहुत ढेर सारी डिजाइन दी जाती है आपके कंप्यूटर में, बहुत ढेर सारी डिजाइन, देखो ये और एक डिजाइन दिख गई, बस और बड़ा कर दे रहे ताकि अच्छे से आप पढ़ के देख रहे हो ना, बहुत ढेर सारी डिजाइन है, ये देखो ये देखो ये देखो इतनी ढेर सारी डिजाइने हैं, बहुत ढेर सारी डिजाइन है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, टेक्स्ट टूल था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहे हैं, एक और टूल के बारे में फिर से बात हो रही है, अब ये वाले टूल का क्या नाम है, ब्रशेस। अगर हम कोई पेंटिंग बनाएंगे, कोई पेंटिंग अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग कलर कैसे फिल करें, क्योंकि जब हम लोग पेंट करते हैं तो पेंट करने के लिए तो ब्रश चाहिए, अब वो ब्रश कैसे चलाएंगे, चलो मान लो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, एक तो तरीका हमने देखा था कि हम डायरेक्ट यहाँ से फिल विद कलर टूल लेते थे, जो भी कलर हमको अच्छा लगता था वो कलर उसके अंदर ले जाके फिल कर देते थे, है ना। यस यस यस, ये तो एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल था। अब हम क्या करें, अब हमको इसी के अंदर अगर कलर फिल करना है ब्रश से, तो यहाँ पे देखो जो ये आपका ब्रश टूल दिया हुआ, ये आपका कौन सा टूल है, ये आपका ब्रश टूल है, और अगर हम सिंपल ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से देखो जो भी कलर हम लेना चाहे, जैसे हम येलो ले रहे थे, यहाँ से येलो कलर इसके अंदर फिल करना स्टार्ट कर देगा, देख रहे हो। यस यस, अगर ये तो बहुत ही पतला चल रहा है तो इसको हम लोग मोटा कैसे करेंगे। यस ऐसे तो पूरा दिन लग जाएगा ना इसको फिल करने में, बहुत टाइम लग जाएगा हम लोग का। इसको हम लोग मोटे कैसे करेंगे, मोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दिया रहता है साइज, क्या दिया हुआ है, साइज 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 का शॉर्टकट भी देता है, साइज का शॉर्टकट अगर आप देखना चाहेंगे, साइज का शॉर्टकट आपका होता है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल और प्लस का साइन, ठीक है, उससे करेंगे तो साइज आपकी बड़ी हो जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी यही वाला साइज ले रहे हैं, देखो ये वाला साइज ले लिए, अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा मोटा ब्रश चलने लगा ना। यस यस, अगर हमको और मोटा करना है, और मोटा करना है, यहाँ पे देखो ये जो प्लस बना हुआ वहां पे क्या हो गया, थोड़ा सा पीला पीला आने लगा मोटा मोटा, अगर हम कंट्रोल और प्लस बटन दबा दें अपने कीबोर्ड से तो देखना और बड़ा हो जाएगा, देख रहे हो। यस सर, हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो इतना बड़ा हो गया। यस सर, अब तो जल्दी से फिल हो जाएगा, है ना। यस यस, कर लेंगे ना आप लोग। अब अगर इसको वापस हम लोग को पतला करना होगा, क्योंकि अब अगर यहाँ पे ऐसे करने जाएंगे देखो बाहर निकल गया कलर, तो बाहर कलर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा,
देख रहे हो, इसीलिए इसको हमको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, और फिर पतला करने के लिए जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। हम लोगों ने कंट्रोल और प्लस बटन दबाया था तो हम लोग का पॉइंटर बड़ा हो गया था, अगर कंट्रोल और माइनस दबाएंगे तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना। देखो छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छोटा हो गया। चलो यार चीज देखते हैं, अभी ये सब हमने हटा दिया, फिर से देखो ये वाला रेक्टेंगल लेते हैं। अब देखते हैं बुक में क्या क्या लिखा है भाई, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द ब्रश टूल वर्क लाइक अ पेंट ब्रश, कह रहे हैं कि ये तो एक पेंट ब्रश की तरह काम करता है, और पेंट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस दैट गिव आर्टिस्टिक इफेक्ट टू द ड्रॉइंग, कह रहे हैं कि जो इसमें पेंट का ब्रश होता है वो कई तरह के ब्रशेस अपने अंदर रखा रहता है जो कि हमको अलग अलग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लिक ऑन द ब्रश टूल ड्रॉप डाउन एरो, अगर आपको अलग अलग तरह के ब्रश यूज करने हैं तो आप देखो ये जो बटन यहाँ देखो बना हुआ है ना, इसका एरो नीचे की तरफ बना हुआ है, इसको हम लोग ड्रॉप डाउन एरो वो बोलते हैं बटन। कौन सी बटन बोलते हैं? ड्रॉप डाउन बटन, क्योंकि इसका जो एरो का पॉइंट है वो किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है। और आप लोग देखेंगे जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सारे जो आपके ऑप्शन है वो कहाँ खुल रहे हैं बेटा, वो सबके सब नीचे की तरफ खुल रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और देखते हैं। अब देखो इसमें अलग अलग तरह के ब्रश दिए हैं, ये वाला जो ब्रश है इसका क्या नाम है भाई, इसका नाम तो सिर्फ ब्रश ही है। चलो देखो तो ब्रश है, ये तो नॉर्मल ब्रश की तरह काम करेगा, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर ले लें अदिति, चलो ये वाला ग्रीन ले लेते हैं, और ये तो सिंपल जैसे अभी ब्रश आपका चल रहा था वैसे ही चल रहा है ये वाला, है ना। यस सर। अब चलो एक दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरे टाइप का कौन सा ब्रश होता है, इसका क्या नाम है? हेलो, नहीं पढ़ पा रहे हो, कैलीग्राफी ब्रश है ये। ठीक है, देखो ये कैसा चलता है देखते हैं इसको भी, इसकी भी साइज थोड़ी सी मोटी कर देते हैं। देखो अब देखना ये थोड़ा सा अलग चलेगा, देख रहे हो? यस देखो, ठीक। अब देखो दूसरा एक और टाइप है, इसमें बहुत ढेर सारे टाइप ऐसे दिए रहते हैं। ठीक है, ये वाला ब्रश देखो, ये भी अलग ब्रश है। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, ये बहुत मजेदार ब्रश होता है, देखते हैं इसको, एयर ब्रश इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे यूज करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं एयर ब्रश। देखो ये कैसा कर रहा है, जैसे स्प्रे करता है ना कोई चीज, उस तरह का ब्रश, जो भी कलर यहाँ से चूज करेंगे, यहाँ से देखो खूब मोटा सा साइज ले लेते हैं, ये देखो कैसा लग रहा है ये वाला, अच्छा है सर, है ना ये वाला। यस यस सर। और कौन सा ब्रश दिया हुआ है इसमें, और देखो एक ये वाला ब्रश है ऑयल ब्रश, जैसे ऑयल पेंटिंग करते हैं ना, ठीक। देखो इसी तरह इसका कैसा है, ऑयल ब्रश है ये अलग अलग ब्रशेस आप लोग यूज करके देख लीजिएगा, ये आपका क्रेयॉन है, मोम कलर यूज करते हैं ना आप लोग, जब छोटे रहे होंगे तो आप लोग वैक्स कलर यूज किए होंगे, ठीक है, और क्रेयॉन यूज किए होंगे, तो इसी तरह चलते हैं कि नहीं चलते हैं जो आपके कलर्स होते हैं। Yes, sir. और कौन सा कलर है, मार्कर, ये देखो सब अलग अलग है, आप लोग ढेर सारे कलर है, ढेर सारे ब्रशेज है, ये आपकी क्या है नेचुरल पेंसिल है, और ये भी आपका क्या है वाटर कलर है, ये तो आप ये देखिए वाटर कलर ऐसा आता है ना, ठीक। Yes, सारे ब्रशेज आपको पता चल गया ना। Yes, sir. Yes, sir. ये तो बहुत आसान है ये। Yes, sir. देखो सारे ब्रशेस से आपकी बुक में ए बी सी डी लिखा गया है, आप देखिए पेज नंबर 40 पे, देखो पहले वाला जो ब्रश था इससे इन्होंने क्या लिखा था, ए लिखा था। Yes. फिर आपका दूसरा ब्रश, ठीक, नेक्स्ट ये देखो, और क्या है ये आपका एयर ब्रश हो गया, इससे इन्होंने डी लिखा हुआ था, ठीक है ना सब वही सेम टू सेम। यस सर। ठीक है, आप लोग में से कौन कौन प्रैक्टिकल कर लेगा इसका पूरा अच्छे से, अब चलो एक और चीज इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है ड्राइंग शेप्स, अगर हम कोई शेप बनाना चाहें
तो कैसे बनाएंगे ये वाला तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी शेप्स आपके दिए हुए थे, जैसे ये लाइन टूल दिया हुआ है, हम क्या करेंगे एक सीधी लाइन खींचने के लिए इसका यूज करते हैं, देखो है ना। यस सर, लाइन टूल था और इसी में आपके अलग अलग बहुत ढेर सारे टूल्स दिए हुए हैं, जैसे अभी यहाँ पे देखिए ये वाला टूल दिया है, ये दिया है, यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, अलग अलग तरह के स्टार, ये वाला स्टार अलग है, ये वाला स्टार अलग है, ठीक है, ये वाला अलग है, ठीक। इसी में और ज्यादा भी टूल्स अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो ये सब भी टूल्स इसी में दिए हुए हैं, ठीक। जब भी आप कोई नया शेप बनाते हो बेटा, जब भी आप एक नया शेप बनाओगे तो जब देखोगे उसके किनारे, जैसे हमने ये वाला स्टार बनाया ना, इस स्टार के किनारे देखो यार डॉट 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 डॉटेड लाइन्स आ रही है चारों तरफ। जब ये डॉटेड लाइन्स आती हैं तो इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, इस शेप को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करा सकते हैं। देखो अभी तुम्हारा एक पतला कंपास बन गए हैं और जैसे ही इसके ऊपर ले जाएगा, जैसे इसके ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वो फोर साइडेड एरो बन जा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इस एरो जब ये एरो बन जाता है तो लेफ्ट माउस बटन दबा करके ये वाला स्टार यहाँ रखना है तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे। फिर हमको एक और कोई शेप बनाना था, शेप यहाँ चाहिए, इसके नीचे यहाँ पे चाहिए तो हम इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। तो देख रहे हो ना कैसे सिलेक्ट होता है, ये इसको ड्रैग करके यहाँ ले जा सकते हैं, ठीक, समझ गए। हेलो यस सर, ये इस तरह से हम लोग शेप बना रहे हैं। अब देखो इसी में एक और शेप दे रहे हैं, कौन सा शेप दे रहा है, पॉलीगॉन टूल दे रहा है, कौन सा पॉलीगॉन शेप, पॉलीगॉन शेप क्या करता है, देखो कौन सा है, ये तो आपका कर्व टूल है और ये आपका कौन सा है, ये पॉलीगॉन टूल होता है। पॉलीगॉन टूल क्या करता है बेटा, देखो इसने क्या किया, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया बेटा, ध्यान से देखो ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक। हमने लाइन कहाँ से स्टार्ट करी थी, यहाँ से लाइन स्टार्ट करी थी और कहाँ पे एंड करी है, यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि ये जहाँ पे हमने लाइन छोड़ी है वहां से लेकर के यहाँ तक एक लाइन आ जाए तो क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से घींच के ले जाने की जरूरत नहीं, आप एक बार यहाँ पे आके क्लिक कर दिए, देखिए क्लिक किए तो अपने आप लाइन ड्रॉ हो गई कि नहीं ड्रॉ हो गई, यस सर, ठीक। ये देखो यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिए, ये देखो बताना क्या बनने वाला है, और वो छोला क्या बनने वाला है, सर ट्रेन, ट्रेन लग रही है, पानी से बन जा रहा है ना, ठीक। अब देखो अब ये जहां जहां हम क्लिक करते जा रहे हैं वहां वहां पे ऐसे ही बनता चला जा रहा है, लाइन ऐड होती चली जा रही है और इस लाइन को जब हमें रोकना होगा, अब भैया इससे आगे हमको नहीं बना रहा है तो हम जहाँ से स्टार्ट किए रहते हैं ना वहीं पे हमको ले जाके फिर से क्लिक करना रहता है, तो हमने तो यहाँ से स्टार्ट किया था ना बनाना, यहीं पे लाके एक बार क्लिक कर देते, देखो जैसे ही क्लिक कर दिए तो फिर से क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो ये डॉट 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 आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका शेप था ये कम्प्लीट हो गया। अब अगर इसके पहिए बनाने होंगे, साइकिल सर, साइकिल लग रहा है, हाँ ये सर्कल हम ले आएंगे, सर्कल ओवल एक ही चीज होती है, जब एकदम हमको एग्जैक्ट अच्छा सा सर्कल बनाना होता है तो हम अपने कीबोर्ड से माउस बटन दबा लेते हैं, जब आप माउस बटन दबा लेंगे तो आपका एकदम एक्यूरेट सर्कल बनता है, ठीक है। ये देखो मैंने अच्छा था, ये वाला तो पहिया बड़ा है, ये वाला पहिया छोटा है, ये वाला पहिया छोटा है ना, और ये वाला पहिया क्या है, बड़ा है। तो देखो हम एक काम करते हैं, हम पहले एक पहिया बनाते हैं और वही पहिया दोनों जगह पे लगा देंगे, कैसे करते हैं उसके लिए देखो, एक पहिया बनाते हैं, बताना हमको, बटन दबा लेते हैं ताकि अच्छा सा सर्कल बने, ये देखो ये बन गया ये वाला पहिया। अब क्या करना है, अभी जब ये डॉट 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 बना हुआ है ना, इसी समय इसको कर देंगे क्या, कॉपी कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, कॉपी कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे, या तो एक काम करते हैं इसको यहाँ से सिलेक्शन टूल देते हैं, सिलेक्ट टूल लेकर के इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आप लोग और जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे ना तो आपको और मजा आएगा इसको करने में, इसको देखो जैसे ही पेस्ट करेंगे, ये देखो ये एक पहिया हो गया,
दूसरा पहिया कहाँ है, ये रहा देखो, जैसे ही पेस्ट किया एक और पहिया आ गया ना, ये वाला पहिया हम लोग डिलीट कर देते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा भी लग रहा है ना, ये डिलीट हो रहा है जल्दी से जल्दी से। ठीक, क्या करेंगे ये वाला पहिया यहाँ से ले जाएंगे और उसके पास लगा देंगे। चलो सेलेक्ट, ये रहा। ठीक, यस। अब क्या करना पड़ेगा, रेलवे भी बनानी पड़ेगी, तो रेलवे बनाने के लिए क्या करें हम लोग, यहाँ पे सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दें। क्या हो गया, एक पहिया तो उसके नीचे चला जा रहा है ना, इसको हम लोग और अच्छे से करेंगे। ठीक है, बना लिए ना। Yes, इसी तरह से और शेप ले करके फटाफट आप लोग और अच्छे अच्छे बनाइएगा शेप। ठीक, छोटी सी बस लगने लगी अब तो, ये नहीं लग रही अभी। ठीक, जाएंगे ना बनाने में इसमें ड्राइंग। चलो, तो आपने पॉलीगॉन टूल में क्या देखा कि हम लोगों ने क्या किया था, जहां से एक लाइन हमने स्टार्ट करी थी, अब इसमें अगर कलर फिल करना रहेगा तो हम लोग फटाफट से यहां से फिल विद कलर टूल लेंगे और यहां से कलर हम फिल कर देंगे। ठीक है, तो पॉलीगॉन टूल हमने यूज करना सीख लिया। पॉलीगॉन टूल में क्या किया हमने, हमने एक जगह से लाइन स्टार्ट करी, फिर जहां जहां पे क्लिक करते जा रहे थे वहां तक वो पॉइंट से एक नए पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करता जा रहा था, और जब हमको अपने सारे शेप को क्लोज करना था तो हमने जहां से लाइन स्टार्ट करी थी वहां पे जाकर के जैसे ही क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, वाली शेप चूज हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब देखिए एक और टूल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, कर्व टूल के बारे में। कर्व टूल क्या करता है, चलो अब इसको हटाते हैं, बस यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब जैसे मान लो कर्व टूल क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमको क्या करना है, हम यहाँ से पेंसिल लेते हैं। देखो बेटा ध्यान देना, अगर हमको कुछ इस तरह का, अगर मान लो रोड ही बनाना है जिसपे से आपकी बस जाएगी, जो भी अपनी बस बनाएगी ना वो बस इसीलिए जाएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अच्छी सड़क बनी है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। ठीक है, अब देखो अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्व टूल का यूज करेंगे इसको अच्छे से बनाने के लिए। कर्व टूल क्या करता है, कर्व बनाने के लिए इसका यूज होता है। पहले ये क्या करता है, एक लाइन बनाता है, क्या बनाता है पहले, ये लाइन, लाइन पहले एक लाइन बनाएगा। देखो एक लाइन हमने बना दी, और इसको बनाने के बाद अब देखो जिधर जिधर आपको मूव कराना है ना उधर क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही क्लिक किया तो ये इधर घूम गया कि नहीं घूम गया, यहाँ पे क्लिक किया हमने यहाँ घूम गया, फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे घूम गया, और जब ये घूम गया तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं से इसको कर ले रहे हैं कॉपी। राइट क्लिक करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, ये रहा हमने इसको, अरे पूरा सेलेक्ट ही नहीं हुआ, कर लिए कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो देखो जैसे ही पेस्ट करेंगे ना ये एक और आ गया, आप देखो अब सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दोनों एक दूसरे के बराबर। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अब यूज कर लेंगे कर्व, इसको जितना आप ड्रैग कराना चाहें उतना आप इसको ड्रैग भी करा सकते हैं। ये देखो इस तरह से इतना अच्छा सा तो पेंसिल से नहीं बनता ना हम लोग के। ये देखो समझ गया ना, और कौन सा टूल बचा हुआ है, अब तो हम लोगों ने सारे टूल्स यूज कर लिए। अब इसमें दिया हुआ है कैसे अपनी फाइल को हम लोग सेव करेंगे, अगर हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं और वो ड्राइंग तुरंत डिलीट हो जाएगी तो हम लोग इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं तभी तो हम लोग अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि देखो मैंने क्या ड्राइंग बनाया है। तो इसको हम लोग सेव कैसे करेंगे, तो सेव करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है, देखो पेज नंबर 42 पे लिखा हुआ है ना,
टू सेव अ फाइल इन पेंट फॉलो दीज स्टेप्स. क्या स्टेप है? सबसे पहले कहाँ जाना है हमको? क्लिक ऑन पेंट बटन, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे इस पे सेव ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे? सेव ऑप्शन इस पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे देखो इसका नाम आएगा. ये क्या दे रहा है? सेव एज दे रहा है. और सेव एज यहाँ पे अपनी फाइल का नाम देंगे. क्या नाम लिखे है बताओ? चलो अदिति लिख देते हैं, और कोई बोल नहीं रहा. ठीक है, अदिति लिख दिया और यहाँ से इसको क्या कर दें? सेव कर देंगे. जैसे ही अदिति लिख करके हमने सेव कर दिया, देखो यहाँ पे अदिति पेंट लिख करके आ गया. पहले क्या लिख रहा था? अनटाइटल्ड लिख के आ रहा था. देखा था आप लोगों ने? नहीं देखा था ना. नई फाइल हम लोग बनाएंगे ना तो हम लोग देखेंगे कि उसका नाम क्या होता है. हमेशा क्या होता है? अनटाइटल्ड लिख करके आता है. ठीक तो हो गया सेव करने का तरीका. अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, अब इस पेंट को हम बंद कर देते हैं. चलो यहाँ से बंद कर दिए. ठीक है, इसको अगर हमने बंद कर दिया तो हम लोग इसको कैसे दोबारा से ओपन करेंगे? देखो इसको क्लिक करते हैं फटाफट से, यहाँ पे पेंट टाइप कर देंगे. पेंट सर्च आ गया. जो पहले से फाइल बनी होगी उसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे? तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, फिर से यहीं पे जाएंगे. कहाँ पे? जहाँ पे हम लोग जाकर के सेव किए थे. और यहाँ पे देखो क्या नाम लिखा हुआ है? इस ऑप्शन का नाम है ओपन. ओपन पे क्लिक करते हैं. जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इतनी भी फाइलें हमने बनाई हुई सबका नाम यहाँ पे दिख रहा ना. देखो अदिति भी दिख रहा है, क्लास टू भी दिख रहा है. हमको कौन सी फाइल ओपन करनी? अदिति वाली ओपन करनी है. तो अदिति पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे? ओपन. ओपन कर दिया. देखो ये देखो फाइल खुल गई. ये तो बहुत आसान था ना? यस सर, एकदम आसान है, एकदम आसान है. अब चलो फिर से इस फाइल को बंद करने की बारी आती है. ठीक है, फिर से बंद करने की बारी आती है. हम क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लिख देते हैं या एक बॉक्स बना देते हैं इसमें. ठीक है, एक बॉक्स यहाँ पे बना दिया हमने. ये हमने एक बॉक्स बना दिया. ठीक है, अब इसको हम क्लोज करने जा रहे हैं. अब जब हम कोई पेंट बनाते हैं उसको क्लोज कैसे करते हैं? फिर क्या कह रहे हैं, क्लिक ऑन पेंट बटन, सेलेक्ट द एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन. देखो फिर से इस पे क्लिक किए, यहाँ से क्या लेना है? एग्जिट लेना है. एग्जिट कहीं दिख रहा है क्या? एग्जिट ये क्या है? ये एग्जिट है ना? देखो जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करेंगे बेटा, एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो क्या कह रहा है? जो आपने पेंटिंग में कुछ नया काम हम लोगों ने किया है क्या इस वाली पेंटिंग में? नो सर. क्यों? हम लोगों ने तो एक रेक्टेंगल बनाया छोटा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया. तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो भी आपने चेंजेस किए अपनी पेंटिंग में, सेव करना है कि नहीं सेव करना है? अगर हमको सेव करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सेव कर देंगे. हम अगर कहेंगे नहीं हमसे गलती से रेक्टेंगल बन गया, इसको सेव नहीं करना है, तो क्या करेंगे? डोंट सेव करेंगे. तो क्या करें बताओ, सेव कर दें कि ना सेव करें? चलो डोंट सेव करते हैं, देखते हैं ये वाला रेक्टेंगल आता है कि नहीं. ये डोंट सेव कर दिया, बंद हो गया पेंट. फिर से पेंट खोलते हैं जल्दी जल्दी. ये तो देखो कौन सी फाइल ओपन करनी थी, फिर से फाइल पे जाते हैं, ओपन पे जाते हैं. कौन सी फाइल लेनी थी? अदिति फाइल. देखो अदिति वाले में तो रेक्टेंगल गायब हो गया क्योंकि हमने क्या किया था? अब एक काम करते हैं, हम लोग इस बार एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल को देखते हैं सेव करेंगे. ठीक है, ये हमने एक सर्कल बना लिया. अब फिर से इसको हम एग्जिट करते हैं. चलो एक यहाँ से लेते हैं एग्जिट. जैसे एग्जिट किए फिर ये सब चेंज करना है कि नहीं करना है, इस बार हम लोग इसको सेव करेंगे. क्या करेंगे? चलो फिर से देखते हैं जाके, अदिति वाली फाइल में जाके देखते हैं क्या होता है. पेंट पे क्लिक किए. अब देखते हैं फिर से हमको अदिति वाली फाइल ओपन करनी है. ये देखो यार ये सर्कल देखो आ गया ना. क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया था बेटा, हमने तो जो हमने चेंजेस किए थे वो सब इसमें सेव हो गए.
अरे यार वो पढ़ाना है ना, क्यों ये तो आपका चैप्टर ही खत्म हो गया। हेलो एक काम करते हैं ना, चलो देखते हैं चैप्टर आपका ओवर हो गया है, एक काम करते हैं अब आपको मुझे ये बताइए एक्सरसाइज में देख लीजिए, एक्सरसाइज में क्या क्या आपको आ रहा है क्या नहीं आ रहा बताइए जल्दी से। अदिति और बेटा नहीं 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 आज मैं जीती हूँ, आज मुझे लेट हो गया था ना इसलिए देखो इसको फटाफट से फिल कर लो बेटा, इसको फिल कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ कस्टम शेप, कह रहे कस्टम शेप बनाने के कौन सा टूल यूज होता है, पॉलीगॉन टूल यूज होता है। मेरे पास बुक नहीं है, चलो हम पीडीएफ अभी सर भेज देंगे, ठीक है सर पीडीएफ भेज देंगे। पहले वाले में कौन सा सीम हो जाएगा, काम वाला हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या कह रहे हैं एरिया, बेटा क्या बात कर रहे हो, ध्यान दो इधर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एरिया वेयर यू कैन ड्रॉ एंड कलर विद पिक्चर्स, ठीक है जहाँ पे आप पिक्चर्स बनाते हैं वो वाला कौन सा एरिया होता है, बैग होता है, रिबन होता है कि ड्राइंग एरिया होता है, बताओ क्या पढ़ा रहे हैं, बोलो अगर कर क्या पूछ रहे हैं, द एरिया वेयर यू कैन ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर, जहाँ पे हम लोग पिक्चर बनाते हैं और ड्रॉ करते हैं वो कौन सा एरिया होता है, ड्राइंग एरिया होता है, ड्राइंग एरिया बहुत सिंपल सिंपल है, द टूल व्हिच इज यूज्ड टू बी कोर और बच्चे आर्टिस्टिक इफेक्ट कौन सा देता है, ब्रश देता है, पेंसिल देता है, ये कलर देता है, ब्रश देता है ना,